लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने हमें खासकर यहाँ पे भेजा ताकि उनकी तरफ से और जम्मू कश्मीर की तरफ से हमने यहाँ पे आज चादर चढ़ाई ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की आ जाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा ने चूमी ख्वाजा की चौखट। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा हैं राजस्थान दौरे पर। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा ने शुक्रवार को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में वक्फ बोर्ड और खुद की जानिब से मखमली चादर और फूल पेश कर जम्मू कश्मीर सहित पूरे मुल्क में अमन अमान और भाईचारे की दुआ की। दरक्षा को खादिम सैयद अफसान चिश्ती ने जियारत कराकर चुनरी उड़ाई और उनके साथ आए डेलीगेशन की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। बाद जियारत मीडिया से मुखातिब होते हुए चेयरपर्सन दरक्षा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों आपकी संपत्ति है, उसे बचाने का काम हमें नहीं कौम को करना है क्योंकि वह हमारे कौम से मुसारित है। बाकी वक्फ संपत्ति पूरी हमारे कौम की अमानत है। हमें हर एक को जागना चाहिए और वक्फ संपत्ति को बचाने की आज ज़रूरत है क्योंकि हम खुद की उस पर कब्जा करके बैठे हैं। वक्फ संपत्ति अल्लाह की अमानत है, हमारी अमानत नहीं है। यहाँ तो सलाम पेश करना था और हाजिरी देना है। हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से आए हैं और ख़ासकर हम तीन मेंबरान यहाँ पर आए हैं। अफशान साहब हमारे साथ हैं। यहाँ पर तो हर एक की मुराद पूरी हो जाती है, यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं निकलता है। और जब यहाँ से खाली हाथ नहीं निकलता है तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में आज अमन की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है और खुशहाली की ज़रूरत है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने हमें खासकर यहाँ पे भेजा ताकि उनकी तरफ से और जम्मू कश्मीर की तरफ से हमने यहाँ पे आज चादर चढ़ाई ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की आ जाए। दूसरा, हम वक्फ काउंसिल की तरफ से आए हैं, अपनी तरफ से भी हमने यहाँ पे हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। यहाँ के इंतज़ाम कैसे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का खास यही रहता है कि जितने भी हमारी दरगाहें हैं, जियारतें हैं, और ये हिंद वली ये हिंद है और यहाँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है और यहाँ हर एक की नज़र रहती है। इसलिए मकसद है कि यहाँ से ही नूर हर एक जगह बरसे और यहाँ जो अमन, अमान और तरक्की और खुशहाली की जो बात हमारे वली हिंद ने करी है, वही पैगाम आज पूरे हिंदुस्तान में ज़रूरत है, पूरे हमारे जो कौम है उसको ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि वही पैगाम हम पूरे हिंदुस्तान में जो लेके भी आए हैं कि यहाँ से ही लेके जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में वही अमन और अमान आ जाए। देखिए, वक्त की संपत्ति तो बचाने का काम जो हमें नहीं है, बल्कि वो हमारे कौम पे मुनहसिर है। हमारे कौम को बेदार होने की ज़रूरत है। वक्त की संपत्ति सिर्फ वक्फ बोर्ड की नहीं होती है, वह हमारे पूरे कौम की अमानत है। हमें हर एक को जागना चाहिए और वक्त की संपत्ति को बचाने की आज अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम खुद ही उस पर कब्ज़ा करके बैठे हैं और हमें उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी और उसको जो हमने मानिए कि एक तरफ से ग्रैब करा हुआ है, उस पर हमें वक्फ को उठाना है। अपने जो हमारा कौम है ये उसकी अमानत है, अल्लाह की अमानत है, ये हमारी अमानत नहीं है, हमारी संपत्ति नहीं है, बल्कि इन्हीं दिन वक्फ को वक्फ किया था और वक्फ को आवाम के लिए भी हमें खोलना पड़ेगा। ये कानून तो बना हुआ है, अब कानून को अपने हाथ में वो लेते हैं। आप देखिए, कानून तो